क्या विकी कौशल की इमोर्टल अश्वथामा में हुई सुनील शेट्टी की एंट्री, क्या होने वाली है फिल्म की कहानी और खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जिया। दोस्तों, एक्टर विकी कौशल और सारा अली खान काफी समय से अपनी अपकमिंग फिल्म द इमोर्टल अश्वथामा को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। अब इस फिल्म से जुड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, द इमोर्टल अश्वथामा में अहम भूमिका निभाने के लिए डायरेक्टर आदित्य धर ने सुनील शेट्टी को अप्रोच किया है। सूत्रों ने बताया कि इस फिल्म में शामिल होने के लिए सुनील ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई। इस समय बातचीत बेहद शुरुआती दौर में है। फिल्म में सुनील के रोल के बारे में अभी कोई जानकारी बाहर नहीं निकली है। आने वाले दिनों में सुनील डायरेक्टर आदित्य और प्रोड्यूसर रॉनी स्क्रूवाला से कुछ और मुलाकातें करेंगे। फिल्म की टीम अगस्त के मिड तक कास्टिंग को पूरा कर जाएगी और फिर मेकर्स फिल्म की कास्टिंग पूरी करने के बाद सेप्टेम्बर में शूटिंग शुरू कर सकती है। इस फिल्म को 2023 में रिलीज किया जाने वाला है। वही दोस्तों, इस फिल्म के बारे में बात करें तो अश्वथामा एक साइंटिफिक फिल्म है और महाभारत के अध्याय से एक किरदार अश्वथामा पर आधारित है। आदित्य ने इस फिल्म के बारे में कहा कि हम सभी उस प्यार के लिए अभिभूत हैं जो उरी को पिछले 2 सालों में मिला, और निश्चित रूप से उस प्यार के साथ हमारे अगले सहयोग के लिए उम्मीदों पर खरा उतरने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी है। अश्वथामा के साथ हम शानदार विजुअल पेश करने वाले हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जो भारत भर के दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा। हम वो सब दिखाएंगे। तो बहुत बड़ी तैयारियां चल रही है इस फिल्म के लिए। आपको बता दें, विकी कौशल ने अश्वथामा को अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म बता दिया है। उनका मानना है कि आदित्य और रॉनी के साथ फिर से काम करना उनके लिए बहुत बड़ी बात है और घर वापसी जैसा है। विकी कहते हैं कि अश्वथामा आदित्य का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसे दर्शकों तक पेश करने के लिए रॉनी जैसे दूरदर्शी की आवश्यकता थी। ये एक अभिनेता के रूप में मेरे लिए एक सबसे बड़ा और नया स्पेस होगा जहां मैं अभिनय के साथ साथ टेक्नोलॉजी के नए फॉर्म से रूबरू होऊंगा। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आपको बता दें, अश्वथामा की कहानी तो आप जानते ही होंगे, महाभारत का वो चर्चित किरदार जिसके बारे में कोई नहीं भूल सकता और कहा जाता है कि वो अभी भी जिंदा है और राजस्थान के जंगलों में अभी भी है। और ये भी कहा जाता है स्थानीय लोगों द्वारा कि कोई अगर उन्हें देख ले तो वो मर जाता है या पागल हो जाता है। तो देखते हैं अब ये कहानी जब पर्दे पर आएगी तो लोगों के दिलों को कितना छुएगी। आपको कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल।